जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन साबरी एआई न्यूज़ से। आज हम बात करेंगे एक कोरोना पेशेंट की। एक वीडियो हमारे तक पहुंचा है और उस वीडियो में एक पेशेंट है मोहम्मद फिरोज शेख, जो मलाड मालोनी के रहने वाले बता रहे हैं अपने आप को, और उन्होंने अपने बारे में और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताया है वीडियो के अंदर। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो मुंबई, महाराष्ट्र, पूरी इंडिया की जनता इस वीडियो को ज़रूर देखे। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किस तरह से कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो पेशेंट है ये ऑलरेडी डायलिसिस पे है। इनको मिलत हॉस्पिटल से डायलिसिस के नाम पर केम हॉस्पिटल भेजा गया कि आपका वहाँ डायलिसिस भी होगा और आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आपका वहाँ पर ट्रीटमेंट भी होगा। और किस तरह से वहाँ के स्टाफ ने इनके साथ बिहेव किया है और किस तरह से इनको ट्रीटमेंट करने के बजाय खुला छोड़ दिया लोगों के बीच में और कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए। क्या उन डॉक्टरों को पता नहीं था कि ये अगर बाहर जाएंगे तो और भी लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, इससे कोरोना महामारी बढ़ेगी या रुकेगी या वीडियो देखकर समझ जाएंगे। और ये वीडियो का जो बनाने का मकसद हमारा हमेशा आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम ये उद्धव ठाकरे जी तक ये बात पहुंचाए कि किस तरह से मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की जो भी घटना हो रही है उस घटनाओं को रोकना चाहिए और जो भी इस घटना के पीछे दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे डॉक्टर या दूसरे स्टाफ इस तरह के कोरोना पेशेंट्स को पब्लिक में छोड़ने से या उनका ट्रीटमेंट करने से मना ना कर सके। और ये महामारी को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको डायरेक्ट वीडियो दिखाते हैं मोहम्मद फिरोज शेख का, क्या वो अपनी आप बीती क्या बता रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फिरोज शेख बोल रहा हूँ मालवनी से। मैं मिल्लत में डायलिसिस पेशेंट हूँ। मिल्लत में मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई तो मुझे बीएमसी से फ़ोन आया कि तुम्हें एम्बुलेंस लेके जाएगी, केम में एडमिट करेगी, वहाँ आपकी डायलिसिस होगी, 10-15 दिन आपका इलाज होगा, फिर आपको छोड़ दिया जाए। ठीक है, फिर मुझे केम में लेके गए। केम में लेके जाके 1.5-2 घंटा मुझे वहाँ बिठा दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं, भूख से चक्कर आ रही है, डायलिसिस सनीचर से नहीं हुआ है मेरा, एम्बुलेंस वाले ने भी वहाँ से छोड़ के भाग गया मेरे को। मैंने डॉक्टर लोग को बोला केम के, तो बोलते आपको बाबा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कुरला। मैं बोला कुरला हॉस्पिटल तो जाने के लिए मेरे पास कोई साधन भी नहीं है मैडम, वो आपका प्रॉब्लम है। बोले जैसा जाना आप देखो कैसा करना है। फिर मैंने बीएमसी की मैडम को फ़ोन किया। बीएमसी की मैडम ने फिर वापस से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करके बुलाई और एम्बुलेंस वाले ने फिर मेरे को बाबा हॉस्पिटल छोड़ के गया। बाबा हॉस्पिटल में आने के बाद मुझे बोला गया कि डॉक्टर केनी से मिलना। डॉक्टर केनी से जब मिला मैं, तो डॉक्टर केनी बोलते हैं डायलिसिस ही नहीं, यहाँ भेजे गए सर, जब वहाँ पर आधा घंटा बैठो मैं तुमको कॉल करता हूँ अभी, फिर मैं तुमको बात बताता हूँ क्या करने का। तो वहाँ काउंटर पे गया तो काउंटर पे भी बोले वहीं बैठो आधा घंटा, यहाँ मतलब कोई किसी से मिल रहा नहीं है, कोई बता रहा नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, यहाँ डायलिसिस की भी सुविधा नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ भेज दिया गया है। मैं सुबह से परेशान हो रहा हूँ, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, भूख से चक्कर आ रहे, डायलिसिस की ज़रूरत है और कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, कोई किसी को देख रहा नहीं, सब बंद है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसी से भी बात कर रहे तो कोई बात भी का जवाब भी नहीं दे रहा है। ज़रा प्लीज़ आप कुछ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।